Subscribe Cricket Guruji channel on YouTube and press the bell icon to get notified about all new videos. So, boom boom guys, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अर्थ और आप देख रहे हैं क्रिकेट गुरुजी। So, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यों एमएस धोनी नहीं खेल रहे हैं क्रिकेट। So, let's go. तो एमएस धोनी ने टीम इंडिया के लिए दो वर्ल्ड कप जीता है, एक 2007 में जीता था T20 वर्ल्ड कप और एक दूसरा था 2011 में जीता था जो है मेन वर्ल्ड कप। उसके बाद एमएस धोनी ने दो वर्ल्ड कप खेले 2015 में और 19 में। उसके बाद 2019 में जब इंडिया न्यूजीलैंड के सामने हार गई थी सेमीफाइनल में, एमएस धोनी ने उसके बाद एक भी गेम नहीं खेली क्रिकेट में। तो एक टाइप से सब लोग यही कह रहे हैं कि र्यूमर्स हैं कि संन्यास ले लिया क्रिकेट से। सो ऐसा कुछ नहीं है, एमएस धोनी आईपीएल खेलने वाले हैं और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है उससे हम लोग बात करते हैं कि एमएस धोनी क्यों नहीं खेल रहे हैं। सो मेरे पास दो पॉइंट है, अगर इसमें से कोई भी इक्विवेलेंट लगता हो तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सो बढ़ते हैं पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो मेरे को लगता है कि एमएस धोनी हम जो भी नए जो विकेट कीपर हैं उन लोग को ट्रेन कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, टीम इंडिया के फ्यूचर के लिए। सो अगर देखो, अगर एमएस धोनी नहीं खेलेगा तो ऋषभ पंत है, फिर संजू सैमसन है, विद्यमान शाह, इन लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी टीम इंडिया को खेलने के लिए। सो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कराएंगे, सो वो लोग इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे, फिर अलग अलग टर्फ पे इन लोग को एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे ऋषभ पंत जो भी कीपर्स हैं उन लोग को ट्रेनिंग मिलेगी और एक टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा इंटरनेशनल ग्राउंड्स में और मैचेस में। सो इस तरीके से वो धीरे धीरे फ्यूचर के लिए टीम इंडिया को बेनिफिशियल होगा। अगर आप लोग एमएस धोनी की प्रायोरिटी ना ले और टीम इंडिया की प्रायोरिटी ले तो एक टाइप से ये फ्यूचर बेनिफिशियल है टीम इंडिया के लिए। सो अभी अगर आपको लगता है कि अभी एमएस धोनी होना चाहिए तो फिर वो फ्यूचर में इन टीम इंडिया को प्रॉब्लम रहेगी। सो अभी एमएस धोनी नहीं खेल रहे तो वो इंडियन टीम के फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। सो अब एमएस धोनी नहीं खेलेंगे तो अभी के जो भी नए कीपर्स हैं उन लोग को ट्रेनिंग मिलेगी और एक टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा जो फ्यूचर में टीम इंडिया को बहुत बेनिफिशियल होगा। सो ये था एक पहला पॉइंट जो सबसे मेन मेरे को लगता है कि एमएस धोनी इसी वजह से नहीं खेल रहे हैं क्रिकेट। सो दूसरा पॉइंट लगता है कि ये, लेकिन मेरे को ऐसा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है, सो इसको काउंट करता हूँ मैं। सो दूसरा पॉइंट ये है कि एमएस धोनी की फिटनेस। सो एमएस धोनी ने अपनी आखिरी मैच 2019 में सेमीफाइनल खेली थी, उसके बाद एमएस धोनी ने एक भी गेम नहीं खेली। सो एक टाइप का फिटनेस इशू भी हो सकता है एमएस धोनी के साथ, जिससे वो ना खेलना चाहते हो, क्योंकि अगर एमएस धोनी फिट खुद नहीं होंगे तो वो खुद सामने से ना बोल देंगे कि मुझे नहीं खेलना। सो अगर सिलेक्टर भी सिलेक्ट करते तो भी उन्होंने एक बार वेस्ट इंडीज़ की टूर में ना कहा था क्योंकि उनकी फिटनेस नहीं है। सो दूसरा पॉइंट भी हो सकता है। सो ये दो पॉइंट मेरे हिसाब से लगते हैं कि एमएस धोनी इसलिए नहीं खेल रहे क्रिकेट। सो अगर आप लोग को इसमें से कोई पॉइंट लगता हो कि मैंने ऐड नहीं किया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट ऐड नहीं किया है, और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून।